प्राचीन शिवबाड़ी मंदिर पिंड अबोटा गगरेट चिंतपुर्णी रोड हिमाचल प्रदेश विखे सालाना जोड़ मेला इस बार 20 ते 21 अप्रैल दिन शनिवार ते ऐतवार नूं बड़ी श्रद्धा पूर्वक ते धूमधाम नाल मनाया जाएगा। यह मेला इन्ना प्रसिद्ध है कि वख-वख प्रदेशों तो हजारों की गिनती विच संगतां अपनी अपनी हाजिरी लगा के भगवान शिव भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस मेले संबंधी जानकारी दिंदिया SDM गगरेट सोमिल गौतम ने दस्सिया कि प्राचीन शिवबाड़ी मंदिर की सदियों तो मानता यह है कि विसाखी के बाद दूजे शनिवार को भगवान भोलेनाथ जी बारूप विच हर साल दर्शन देंदे हन अते यह मेला सदियों तो चलता आ रहा है। मेले ते आउण वालियां संगतां लई प्रशासन वल्लों भुगतान प्रबंध किए गए हन। आउण वाले श्रद्धालुआं नूं हर संभव सुविधावां दित्तियां जाणगियां। बच्चियां लई अते संगतां लई झूले अते वख-वख समानां दीआं दुकानां वी लगियां हन। पंडित अजय कुमार ने दस्सिया कि मंदिर अंदर भगवान श्री भोलेनाथ जी की पिंडी अते चारे पासे जंगली ऋषि गुरुआं द्रोणाचार्या जी दे समें ते ही स्थापित हन। इस बारे विस्तार नाल पंडित जी ने जानकारी दिंदिया कहा, हर हर महादेव जी। द्रोण शिवबाड़ी मंदिर जिहड़ा हर साल मेला हुंदा है, मान्यता यह है भी हर साल शिवरात्रि अपने विसाखी तो बाद जिहड़ा नैक्सट शनिवार हुंदा है उहदे च भगवान भोलेनाथ बाल रूप दे विच इत्थे हर साल दर्शन देंदे ने। इस करके बड़े सालों तो सदियों तो इत्थे मेला चलता आया और हर साल की तरह इस बार भी जिहड़ा मेला है 20 और 21 तरीक नूं है। 20 और 21 अप्रैल 20 तरीक नूं जिहड़ा साडा प्रोग्राम है उहदे च लोकां ने दर्शन करन दे नाल नाल इस बार पहली बारी प्रशासन वालों मेले के दौरान सांस्कृतिक प्रोग्राम कराए जाएंगे जिदे च कलाकार असी लोकल कलाकारां तो लैके कुछ उभर दे कलाकार नाल दे अपने पंजाब तो भी और आस पास के इलाकों तो असी बुलाए हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम होएगा और उस तो अलावा 21 तरीक नूं साडा भंडारे का भी प्रोग्राम है उहदे विच। तो सब नूं असी यही आह्वान करते हैं कि आण भोले बाबा दे दर्शन करन ते मेले नूं इंजॉय करन। मैं पटवारी सुरेंद्र कुमार, हल्का अम्बोटा। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हर साल शिवबाड़ी अम्बोटा में महाशिव मंदिर के द्वार में मेला आयोजित किया जा रहा है, जो कि 20 और 21 अप्रैल को किया जा रहा है, जिसके 20 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जा रहा है और 21 को भंडारा व मेले का आयोजन, जिसके पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। प्रशासन द्वारा हर संभव सुविधा जो कि आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए की गई है। मेरी बेनती रहेगी सभी श्रद्धालुओं से कि वो आएं और प्रभु के दर्शन करें, वो मेले में प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। ये जो मंदिर है गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम का है, इस मंदिर का नाम है द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी अम्बोटा। ये गगरेट हुशियारपुर से चिंतपुर्णी रोड के ऊपर जंगल के अंदर ये मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक है और प्राचीन है। ये जो पिंडी है जिसके आप दर्शन कर रहे हो, ये गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, जहाँ ये जितना भी जंगल है गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी। गुरु द्रोणाचार्य जहाँ रहते थे परिवार सहित और योग साधना से कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो उनके बच्चे थे, बेटे का नाम था अश्वत्थामा, बेटी का नाम था जयाति। वो पूछने लगी, पिताजी आप हर रोज़ स्नान वगैरह करके कहाँ जाते हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तो कैलाश पर्वत पर शिव जी महाराज की पूजा पाठ करने जाता हूँ, आपको भी किस ले चलेंगे, आप यहीं पर बैठकर अमर उषा का जाप करो, आपको भी चलेंगे। तो बच्चों ने जब निष्काम भाव से जहाँ पूजा पाठ किया तो भोले शंकर उनकी तपस्या में खुश होकर जहाँ बाल रूप में प्रकट हुए। जो बच्चों को तो पता नहीं था, उन्होंने अपने पिताजी से बात की कि जब हम पूजा पाठ करते हैं एक छोटा सा बालक आता है, हम जब पूजा पाठ करते हैं वो छोटा सा बालक आता है हमारे साथ खेल के चला जाता, मगर पता नहीं वो कौन है। अगले दिन जब उसी टाइम पे गुरु द्रोणाचार्य जी ने आकर देखा तो बाल में भोले शंकर ही थे। उन्होंने चरण पकड़ लिए, महाराज ये क्या लीला है कि आप यहाँ पे और हम आपकी पूजा पाठ करने वहाँ पे जाते हैं कैलाश पर। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेरे को यहाँ पे याद किया, मेरे को यहाँ पे आना पड़ा। बच्चों को पता चला कि ये भोले शंकर है, तो उन्होंने हट किया कि आप यहीं पर रहो और आपकी पूजा पाठ यहीं पर किया करेंगे। बच्चों के हट करने के ऊपर इस पिंडी की उन्होंने स्थापना की और कहा कि इस जगह पर मेरा वास रहेगा और जब भी तुम मुझे याद करोगे मुझे यहीं से प्रकट हो जाऊँगा और मैं इस दिन जरूर आया करूँगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना। वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो अब भी साल में जो बैसाखी के बाद दूसरा शनिवार होता है उस उपलक्ष्य में उस दिन यहाँ पे मेला लगता है, जो कि इस बार 20 अप्रैल को आ रहा है। जैसे 13 तारीख की बैसाखी है उस दिन भी शनिवार है, तो उससे जो अगला शनिवार आएगा वो 20 तारीख को आएगा, तो उस दिन जहाँ पर मेला लगेगा भोले शंकर का वचन है, वो किसी न किसी रूप में जहाँ पर विराजमान होते हैं।
लोग आते हैं, जग भंडारा करते हैं, प्रसाद किसका किस रूप में ग्रहण करें ये नहीं कहा जा सकता, पर उनका जो वचन है वो पक्का अटल है कि वो आते जरूर हैं। तो उस दिन मेला भी लगता है उसी उपलक्ष्य में, और ये जो बाहर छोटे छोटे मंदिर हैं, संत लोग जहाँ पे रहे जिन्होंने तपस्या की जहाँ पे, वो जब समाज आते हैं तो शिवरूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। और इस मंदिर के चारों तरफ शमशान घाट भी है, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है कि भोले शंकर का जो शमशान के अंदर जो मंदिर होता है उसका और महत्व बढ़ जाता है। शमशान वासी भी भोले शंकर को कहते हैं। और इस मंदिर के चारों तरफ चार कुएँ भी हैं जो आज भी हैं देखने को, कुछ तो कुएँ प्रयोग में आते हैं, पानी भरते हैं लोग लेके जाते हैं। तो ये इसके चारों तरफ चार कुएँ हैं, ये जंगल है और इसकी लकड़ी यहीं शमशान घाट पे ही काम आती है।